हेलो फ्रेंड्स मोनू ट्रल अकेडमी में आपका स्वागत है आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रोजन सेक्शन ठीक है तो फ्रोजन सेक्शन के अंदर आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं फ्रोजन सेक्शन के अंदर अगर आपको इसकी कटिंग वगैरह भी फ्रोजन सेक्शन की कटिंग पढ़नी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है सो फ्रोजन सेक्शन बेसिकली फ्रेंड्स फ्रोजन सेक्शन से हम क्या समझते हैं इन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर हम फ्रोज़न सेक्शन की बात करें तो जो हमारे पास टिश्यूज़ होती हैं उनका क्या करते हैं उनको सेक्शन में कटिंग करते हैं ताकि हम उसे डायग्नोज़ कर सकें ठीक है एक बड़े से ऑर्गन का हम डायग्नोज नहीं कर सकते जिसके लिए क्या होता है उसे पीसिस में कट करना होता है सेक्शन वाइज डिवाइड करना होता है सो फ्रोजन सेक्शन उसका एक पार्ट है फ्रेंड्स फ्रोजन सेक्शन जो है हमारा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम सो so, इसका इंट्रोडक्शन क्या है द रूटीन पैराफिन सेक्शंस यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब undergoes many process and take long time to give result but procedure with frozen section need few times to give result this helps to surgeon to change method of operation according to the nature of disease जो हमारा routine paraffin section होता है इसको हम use use करते हैं in histopathology lab के अंदर ये क्या करता है इसकी processing जो होती है paraffin section की ये काफी ज़्यादा time लेती है ठीक है इसलिए हम क्या करते हैं फ्रोजन सेक्शन यूज करते हैं फ्रोजन सेक्शन का मतलब ही ये होता है कि वो बहुत कम टाइम लेता है और बहुत जल्दी प्रोसीड भी हो जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम टाइम लेता है रिजल्ट आने में सर्जन्स क्या करते हैं इस मेथड को ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसके नेचर ऑफ डिजीज का पता लगा लेते हैं सो so, एडवांटेजेस क्या है इसके बेसिकली जो फ्रोजन सेक्शन कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हैं अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो फ्रोजन सेक्शन और कट वैन रैपिड रिपोर्ट इज रिक्वायर अगर किसी को रैपिड रिपोर्ट की रिक्वायर है यानी कोई अर्जेंट रिपोर्ट की रिक्वायर है तो हम फ्रोजन सेक्शन कर सकते हैं ठीक है दिस सेक्शंस कैन बी प्रिपेयर विद इन फ्यू मिनट्स एट देयर इज नो प्रोसेसिंग ठीक है अगर हमें फ्रोजन सेक्शन की कटिंग करनी है तो इसका क्या होता है बहुत ही कम टाइम लगता है इसकी प्रोसेसिंग में ठीक है ये हमारे लिए एडवांटेज है जितना कम टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में पेशेंट को उतना ही कम वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए दिस सेक्शंस आर यूज फॉर दी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैट एंड एनजाइम्स जो हमारा फ्रोजन सेक्शन है ये फैट और एनजाइम को डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ठीक है ये हमारे लिए एक एडवांटेज की बात है अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट द सर्जन कैन चेंज द मैथड ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो फ्रोजन सेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो मैथड है ऑपरेशन का सर्जन वो भी चेंज कर सकता है ठीक है और बहुत ही फ्यू मिनट में बहुत ही जल्दी कर सकता है नहीं तो क्या होता है घंटों लग जाते हैं दिन लग जाते हैं इनको रिजल्ट लाने में ठीक है अब इसके डिसएडवांटेज का क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स फ्रोजन सेक्शन के अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं एज देयर इज नो टिश्यू प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स डिटेल ऑफ दिस सेल गेट डैमेज ओके फ्रोजन सेक्शन के अंदर हमारे पास सेल्स प्रोसेसिंग टिश्यू प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे उसकी डिटेल्स नहीं होगी जो सेल्स डैमेज होगी ठीक है हमें बस ये पता चलेगा कि जो सर्जन है मतलब जिसको वो ऑपरेशन का जो डिजीज का जहाँ पर डिजीज हुई है बस वो प्लेस का पता चलेगा और डिजीज का पता चलेगा इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि कौन सी सेल डैमेज हुई है ठीक सीरियल सेक्शन कैन नॉट बी ऑब्जर्व एज देयर नो इम्बैडिंग ऑफ टिश्यू टिश्यू की इम्बैडिंग नहीं होगी टिश्यू की अगर इम्बैडिंग नहीं होगी तो क्या होगा सीरियल सेक्शंस जो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि टिश्यू की बैडिंग बहुत ही ज़रूरी है किसी को ऑब्जर्व करने के लिए उसके सीरियल को ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है द थिकनेस ऑफ फ्रोजन सेक्शन इज़ टेन टू फिफ्टीन माइक्रोन्स सो स्टेनिंग विल बी नॉट प्रॉपर ओके जो फ्रोजन सेक्शन की मेम थिकनेस थिकनेस होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है टेन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर होती है और स्टेनिंग के लिए ये प्रॉपर नहीं है ठीक है स्ट्रेनिंग करने के लिए आ, कम माइक्रोमीटर की जरूरत होती है थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए तभी स्टेनिंग हो पाएगी ठीक है तो टेन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर में प्रॉपर स्ट्रेनिंग नहीं हो पाती ये हमारे डिसएडवांटेज है अगर बाई चांस हमें कोई सेल देखना है स्ट्रेनिंग करके देखनी है तो हम स्ट्रेनिंग करके नहीं देख पाएंगे फ्रोजन सेक्शन के अंदर स्पेशल स्ट्रेनिंग कैन नॉट बी डन इन फ्रोजन सेक्शन स्पेशल स्ट्रेन यूज नहीं किया जाता फ्रोजन सेक्शन के अंदर ठीक है ये भी हमारे लिए एक डिसएडवाटेज है सो फ्रेंड्स फ्रोजन सेक्शन के अंदर हमने हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ा सो so ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रोजन सेक्शन बहुत ही ईजिली समझ में आता है अगर इसके कटिंग वगैरह अपने फ्रोजन सेक्शन की कटिंग कैसे होती है तो हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए वीडियो कैसी लगी अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताइए ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में